राय, शेखर राय। थैंक यू सर। सर मुझे याद आ रहा है जबकि ये रीऑर्गेनाइजेशन बिल चर्चा हो रहा था तो कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों पार्टी का सदस्यों ने उस समय चुनाव होने वाला था शायद इसलिए ज़्यादा हर रोज शोर मचाते थे। कुछ लोग विभाजन मांग रहे थे, कुछ लोग खिलाफ बोलते थे और हमारे सीएम रमेश साहब और वाईएस चौधरी साहब वो लोग भी वेल में चले जाते थे और हमें जैसे 255 में निकाला दिया गया उन दोनों को भी निकाला दिया गया था 2014 में, हमको अभी भी याद है। हालांकि लेकिन वास्तव ये है कि कुछ भी हो ये एश्योरेंस उस समय प्रधानमंत्री जी जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उन्होंने एश्योरेंस दिया था इसमें कोई शक नहीं है और हम मांग करते हैं कि जो एश्योरेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दिया गया इसको मर्यादा दिया जाए, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए इन लेटर एंड स्पिरिट, देयर शुड नॉट बी टू ओपिनियन। लेकिन सर जो बात नरेश जी ने अभी अभी उठाया मैं उनसे भी सहमत हूँ कि बहुत सारे राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश हमारे सबसे बड़ा राज्य होते हुए भी उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उन सब राज्यों को जो लोग अपनी विरासत से जो डेट मिला है डेट बर्डन मिला है उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं आरबीआई का एक आंकड़े आपको माध्यम से सरकार से हम सरकार को सुनाना चाहते हैं। 2016 का मार्च का एक आंकड़े रिजर्व बैंक ने रिलीज किया उससे पता चलता है नंबर वन है महाराष्ट्र, उनका डेट बर्डन है 3,79,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया, उत्तर प्रदेश 3,27,000 करोड़ से ज़्यादा, उनको भी विरासत से मिला है हमको भी मिला है महाराष्ट्र को भी मिला है, वेस्ट बंगाल 3,08,800 करोड़ का डेट बर्डन, आंध्र प्रदेश 2,62,850 करोड़, गुजरात 2,29,280 करोड़, तमिलनाडु 2,35,260 करोड़ उनको भी विरासत से मिला है। सो अगर इस तरह 10 राज्य है तमिलनाडु भी है कर्नाटक भी है मध्य प्रदेश है और केरला भी है तो 10 राज्य की हालत बहुत ही खराब है जिनका डेट बर्डन है 1,60,000 से 3,80,000 करोड़ तक, इतना डेट बर्डन है। ये 10 राज्य के लिए मेरे विचार से हमारा निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से कि चीफ मिनिस्टर लोगों को बुलाएं और एक रास्ता निकाला जाए जैसे कि आंध्र का मदद दिया जा रहा है हम समर्थन में है, वी आर सपोर्टिंग द डिमांड्स ऑफ द आंध्र प्रदेश एज अश्योर्ड बाय दी देन प्राइम मिनिस्टर, बट एट द सेम टाइम दीज चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दीज 10 स्टेट्स दे शुड ऑल्सो बी कॉल्ड दे शुड एंड देयर व्यूज आर टू बी टेकन बाई द गवर्नमेंट टू सॉल्व the problem of debt burden, how to get rid of this debt burden, one way should be evolved, otherwise there will be a serious financial crisis sir. And ये लगता है जो experts लोग बोलते हैं कि 2016-17 में अगर ये debt burden का मुद्दा इसको ये समस्या को हल नहीं किया जाए तो ये 10 राज्यों की हालत इस जगह पे पहुंचेगा कि ये सरकारी कर्मचारी लोग को तनख्वाह देने सकेगा कि नहीं सकेगा, इतना दूर तक आर्थिक स्थिति का बुरा हाल हो जाएगा। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है इसको भी विचार करें, ये 10 बड़े राज्य है उसमें प्रधानमंत्री जी का राज्य भी है, हमारा राज्य भी है, उत्तर प्रदेश भी है, तमिल भी है, केरला भी है, राजस्थान भी है, इतने सारे राज्य। दूसरी बात यह है सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी 39 मेजर स्कीम को उन्होंने बंद कर दिया, 39 मेजर स्कीम को बंद कर दिया, उसके अलावा 58 इंपॉर्टेंट स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको भी अपना जो शेयर था सेंट्रल गवर्नमेंट का उतना रिड्यूस कर दिया कि अभी उसका सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्यों के ऊपर आ गया, सारे राज्यों को ज्यादा पैसा देने पड़ता है उसको लागू रखने के लिए जारी रखने के लिए, ये हालात पैदा हो गया, इसको ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी बात है कि मेरा राज्य है सबसे पिछड़े हुए राज्य जो है इसमें सेंट्रल सेल टैक्स का जो हमारा एरिया ड्यू है वो 6,500 करोड़ का
करीबन 6500 करोड़ रुपया 2011 साल से आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। ये जो एरियर है सेंट्रल सेल टैक्स का, उसको रिलीज किया जाए, ये तो हमारा ड्यू है। ये नहीं कि हमको कृपा करेंगे सरकार, ये हमारा ड्यू है, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा प्रॉपर्टी है ये मिलने का। लेकिन हमें अफसोस है कहने में कि सरकार न जाने किस कारण हमारे सरकार के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों ये पैसा नहीं रिलीज कर रहे। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा, ये जो 6500 करोड़ रुपया रेवेन्यू लॉस हो रहा है हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स के लिए, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। और सबसे आखिरी में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ये जो पे कमीशन का रिपोर्ट निकला है, सेंट्रल पे कमीशन, हर राज्यों में भी पे कमीशन बनाया जाता है और उसका भी रिकमेंडेशन कुछ राज्यों में आ गया, कुछ राज्यों में आने वाला है। उसके लिए बहुत सारे राशि हमको जुगाड़ करने पड़ता है, तो अगर हमको थोड़ा बहुत मदद नहीं मिलेगा और सेंट्रल पे कमीशन अपने नोट छपाते हैं, वो लोग करेंसी नोट छपाते हैं और दे देते हैं, हमारे पास तो नोट छपाने का कोई मशीन है नहीं, राज्यों को पास कलकत्ता में सिर्फ नहीं है, आपका चेन्नई में भी नहीं है, आपका आंध्रा में भी नहीं है, आपका महाराष्ट्र में भी नहीं, कहीं भी नहीं है। ये अरुण जेटली जी का डिपार्टमेंट के पास है और किसी के पास नहीं है, तो नासिक में है, नासिक में है, महाराष्ट्र में है और हमारे बंगाल में एक बनाया गया था वो बंद हो गया, तो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था बंद हो गया। सर तो मैं ये हंसी मजाक का बात नहीं है, सीरियस बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा, ये जो समस्या मैंने, ये जो मुद्दा मैंने उठाया आपके माध्यम से, मैं सरकार से निवेदन करूंगा इसको हल करने के लिए सीरियस थॉट होना चाहिए। हर एक राज्य, मैं 10 राज्य का नाम लिया, इस 10 राज्य का आर्थिक हालात इस जगह पे पहुंच गया कि अगर इस आर्थिक वर्ष में ये समस्या का हल नहीं किया जाए तो बहुत ही बुरा हालत पैदा हो जाएगा और ये देश के हित में नहीं होगा, देश के हित के खिलाफ होगा। और मैं आंध्र प्रदेश के जो डिमांड है उसको अंतर से मैं समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।